अच्छा तो बॉयज अभी काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं इसका शूट और पसीना भी देख रहे हैं जिस तरह के जबरदस्त दोनों खा पी के बैठे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा मेरे सामने आ गया, मेरे फेस टू फेस बात की, उसे कहूँगा ये ले चाबी 3 लाख रुपया इसका भर के दिखा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों बाद हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और ये सीन सारा हुआ है, कुछ काम में बिजी थे लेकिन काम किसी न काम के थे, सबसे पहली बात ये। और मंडी के भी चक्कर काफ़ी लगाए, मैं कहा व्लॉग डालूं, मैं कहा दफ़ा मारूं, अपने चैनल पर किसने देखना। और खैर आज ये सीन है कि मैं एक गाड़ी का वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, उसकी अलग से एक वीडियो आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। आल्टो RS टर्बो है, काम करने लगे हैं सिनेमैटिक। तो ये प्राइवेट शूट है, तो अगर रिव्यू के लिए उन्होंने हामी भरी तो रिव्यू भी हम बना लेंगे और ये हमारे यूट्यूब कंटेंट भी हो जाएगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो अभी ये है कि मैं आपको जानवर दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त मिल गए हैं, 4 दिन की खुवारी के बाद एक ही दिन में मिल गया, तो ये सबसे बेस्ट सीन हो गया। और अभी चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बाइक मैंने पहली बार निकाल लिया था और ये हमने उस दिन के बाद अब भी निकाला है बाहर। माशाल्लाह काफी लड़के ने डिटेलिंग अच्छी की, अगर आपने डिटेलिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाके चेक करना, नेक्स्ट लेवल। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। हेलो बच्चे, कैसे है? ठीक हो? गुस्से में देख रहा है। ये चेक करें जी, हमारा दुम्बा जबरदस्त दोनों खा पी के बैठे हैं, अभी चुगाली कर रहे हैं। या अल्लाह पर खैर करना हमारी। और अभी सुबह कितने टाइम हो गया? अभी 5:56। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ये देख रहे हैं कितनी मट्टी है, कितनी रेत है। ये सिर्फ 3-4 दिन पहले बारिश हुई, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई, ये लोग यकीन ही ना करें इस्लामाबाद है। भाईजान बहुत बुरे हालात हैं इधर, हालांकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ 3.5-4 करोड़ रुपए यहाँ की मलकियत है घर की, लेकिन क्या है जी, पानी सैलाब पानी घरों में आ जाता है। इतनी गंदी यहाँ पे ना मतलब सेटिंग है, ऊपर से जो पीने वाला पानी हो तो घर में आता ही नहीं है। खैर ये क्या हम बात कर रहे हैं। अच्छा वो उस दिन जो मसला आया था वो मैंने हल कर लिया, तो माशाल्लाह बाइक उठता है, देख रहे हैं। ये चीज़ मैं बता रहा था उस दिन, मेरे बाइक में मसला आ रहा है, मिसिंग कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, रोडें सारी खाली हैं। स्पीड ब्रेकर, आपको पता है ये डिटेलिंग करने के बाद उसने ना पता नहीं क्या मारा मेरे इंजन पे और डिस्क ब्रेक पे, अब डिस्क ब्रेक की ना ब्रेक सही काम ही नहीं कर रही, पता नहीं स्लिप मारी जा रही। माशाल्लाह काफी बेहतर परफॉर्मेंस हुई थी पहले से। एक लड़का कहता जी ये भाईजान तेरे पास हैवी बाइक नहीं आ गया, तू हमें इसकी वीडियो दिखा दिखा के पका मत। मुझे ना दिल को बात बड़ी चुभी, लेकिन मैंने कहा यार दफा करो, ऐसे बंदों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा मेरे सामने आ गया, मेरे फेस टू फेस बात की, उसे कहूंगा ये ले चाबी 3 लाख रुपया इसका भर के दिखा। अभी जो शोरूम एक्चुअल प्राइस हुई हुई है नंबर समेत, ये 2,90,000 तक का पड़ता है। तो अगर हिम्मत हुई तो खरीद के दिखाए भाईजान, आजकल इसको भी खरीदना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, ठीक है ना, ये कोई हल्की चीज नहीं है। और मैंने जिस तरह खरीदी है मुझे ही पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मैं इस पे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। अब माशाल्लाह बिल्कुल मिसिंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से थोड़ा सा रन करके देखते हैं जी, बेहतरीन। ऊंचाई आ गई है, फिर बेजी होगी, 100 नहीं टपा 95 से वापस आ गई सोई, नाइस। ऐसा ही कर लेते हैं भाई, बेशक 100 पे नहीं गया, लेकिन ये है कि वो जो मिसिंग वाला पंगा था शुक्र है वो खत्म हो गया। बहुत तंग किया हुआ था उसने जी, जलील करने किया हुआ था। बात पता है कि मिसिंग करने का सबसे बड़ा इशू, इधर RPM जाके मिसिंग करते थे और यहाँ पे तो करना बनता है, वो GSP करता है, वो एक नॉकिंग है, वो मिसिंग नहीं है। खैर अभी वो मसला हल हो गया, उसका फायदा ये है कि ऊंचाइयाँ वगैरह हो वहाँ पे आपको इशू नहीं आएगा। मेरे सब्सक्राइबर और मेरे क्लाइंट अभी तक पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन आपको जरा पहाड़ियों की सैर कराते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई है जी हमारे I-8 के अंदर, इधर से मुझे बाइक चलाने का बड़ा मजा आता है। ओहो जम था पूरा, एक और वो कैमरा ही ना टूट जाए, पता लगे लेने के देने पड़ जाए।
ऐसा कर लो, मोड़ आ गया। लो भाई शेल पंप पे पहुंच गए हम आई8 में। और यार ये एक तो हेलमेट पहन लो ना, बालों का बुरा हाल हो जाता है। दाढ़ी यार मैं पहले भी बताया था मैं बड़ी रख रहा हूँ, थोड़ी मतलब कि ज़्यादा बड़ी रखनी है। अच्छा अभी ये सीन है कि मैं इनका वेट कर रहा हूँ। और अगर आप बाइक वाले हैं तो आपको थोड़ी सी टिप दे देता हूँ, अगर आप बाइक वाले नहीं हैं तो थोड़ा सा मैं आपको कार का सिनेमैटिक्स वगैरह दिखाऊंगा। रिव्यू इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, वो आपने ज़रूर चेक करना है। अच्छा अभी मैं जो भगा के लाया हूँ, यकीनन आप में से काफ़ी बाइक कहेंगे यार मुझे भी इस तरह की टिप चाहिए कि क्या किया आपने। देखिए जी सबसे पहले एयर फिल्टर चेंज किया, ठीक है, चोक हो गया था। दूसरा है जी फ्यूल फिल्टर साफ़ किया है। अगर आपका फ्यूल फिल्टर 10,000 से ज़्यादा चल गया या 9,000 चल चुका है तो आप चेंज कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन जेन्युइन हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी इसमें कॉपी डाला हुआ, मैंने जाके चेंज करना, मैं एक तो भूल जाता हूँ बार बार। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ जो कि मैं घर में नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने प्लग खोल के चेक किया, ये बिल्कुल काला हुआ था। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें इसकी डिटेलिंग वगैरह मैंने की है। मैं गया हूँ उस वर्कशॉप और वहाँ पर जाके इसका ट्यूनअप करवाया, फ्यूल जो है सारे सेट करवाया, मिक्सचर ठीक है, फ्यूल ज़्यादा खा रहा था जिसकी वजह से मिसिंग कर रहा था, मेन कॉज ही वही थी। और दूसरी बात यह इसका जो इंजेक्टर कह रहा हूँ सॉरी प्लग है उसको साफ़ करवा के दोबारा लगाया। अब माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी है, नॉकिंग अच्छी कर रहा है, मतलब कि 10 से 11,000 RPM ईजिली जाते हैं, नो मिसिंग। अभी आपके सामने ही मेरा रिजल्ट दिखा दिया था, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे ना एक बनाना चाह रहा हूँ क्रैश गार्ड, कुछ नेक्स्ट लेवल तरीके का, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना अगर इस तरह का सीन हो जाता तो कैसा रहेगा। और सॉरी बॉयज़ मेरे रिव्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं आजकल, सिर्फ रीज़न ये है कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी ये बाइक है, मैं ज़रूर कर रहा हूँ, गाड़ी के लिए पैसा बहुत चाहिए और मैं अब घर से पैसा नहीं ले रहा। घर से पैसा लेता तो काश शायद आज कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं करना चाहता, आदत डल जाएगी, गंदी आदत डल जाएगी। तो ये सी यार बॉयज़ पहुँच गए हैं, दो दो आल्टो आई हैं पिछली, एक तब लोकल है। ज़बरदस्त प्लान ये बना है कि हम अपना बाइक शेल पंप पे खड़े करके जा रहे हैं। और ये शेल पंप है जी आई8 का, तो यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह नज़र के सामने रहेगा। और आगे अल्लाह हिफाजत करें इसकी, तो बस चलते हैं। थोड़ा और गैप तो बॉयज़ अभी हमने रोलिंग शॉट्स ले लिए, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। और उसके बाद सब भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि अब उन गिम्बल यूज़ नहीं करता रे। तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क लगवा रहे हैं और साफ़ सुथरा मौसम है, चेक करें जी, माशाल्लाह खूबसूरत तरीन आई8 है कसम से, ज़बरदस्त। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उस तरफ लगानी है, इस तरफ। अच्छा तो बॉयज़ अभी काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं इसका शूट और पसीना भी देख रहे हैं जिस तरह के। और जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये सोनी A6400 है प्लस 1850 f2.8। अभी रिसेंटली ये लेंस बाय की है, इसकी कॉस्ट मतलब कि पूरे एक कैमरे जितनी ही है, तो मतलब कि एक लेंस बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो वीडियो आप देखेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और अभी रोलिंग शॉट्स हुए हैं और अभी बी रोल्स वगैरह ले रहा हूँ, तो अगर रिव्यू का सीन हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक लुक वो आपको जैसा मैंने बताया था, एक स्टॉक पाकिस्तानी भी आई हुई है, देखते हैं क्या सीन है, कंपैरिजन करना चाहे तो हम कर लेंगे। ब्रो जंगल में जा रहे हैं और ओस पड़ी हुई है फुल टाइम, कोई शाम शाम पीना आ जाए यार। अभी दूर से शॉट लेना वो सबसे बड़ा टास्क है, लेट्स ट्राई ये सीन यहाँ से करना शॉट। ऑलराइट गाइस अभी हमारा हो गया है शूट डन और टाइम दिखा देते हैं मैं आपको, 7:15 हो चुके हैं। तो ये अभी सिर्फ सिनेमैटिक्स का हुआ है और अभी मैंने इसका करना है रिव्यू, तो मतलब कि सिनेमैटिक की अलग वीडियो आएगी, रिव्यू की अलग आएगी। और अभी ये वाली जो आ रही है इसमें आप हल्का फुल्का इसको देख रहे हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। और प्राइस वगैरह जो भी है सीन है रिव्यू के अंदर देखेंगे, सिनेमैटिक इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं इंशाल्लाह। और बस अब ये है कि ये ब्लॉग आपने एंड तक देखना है, कोशिश मेरी पूरी जारी है, आपको बोर नहीं करना। अच्छा जी बॉयज शूट डन, क्या क्या डन हो गया और अभी क्या टाइम हुआ जी, 7:48। अभी हम जाने लगे हैं नाश्ता करने, मुझे सख्त भूख लगी है भाई। असल में मैं उनको उस तरफ लेके नहीं जा सकता क्योंकि IJP रोड बन रही है, तो IJP रोड पर सिर्फ ये बाइक से जा सकते हैं आजकल में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
अच्छा बॉयज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते हैं मुझे बताएं, मैं कुछ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूं। बिकॉज मोटिवेट आप लोग करते हैं तब मज़ा आता है, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। यकीन करें तो मुझे ना ड्यूटी लगती है, शौक नहीं लगता। आज मैं शौक से वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं आज शौक की वीडियो पे पीछे कितना मेरे रिस्पांस आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोड़ था, पांचवा गियर जा रहा हूँ। ये मेरी फेवरेट रोड है इधर की, तो मुझे आपने जल्द से जल्द बताना है। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा, मेरा वादा है आपसे। और हिम्मत नहीं हारने वाले हम बाबा जी। इस लिहाज से ना इस्लामाबाद फेल है। अभी क्या 7:45 टाइम हो रहा है, एक दुकान एक रेस्टोरेंट भी नहीं खुला हुआ, बंदा जाकर कुछ नाश्ता वगैरह कर ले। इस लिहाज से पिंडी और लाहौर सबसे टॉप पर हैं। रात को 3 बजे तक 4 बजे तक खुले रहेंगे सुबह तक, और फिर इस टाइम भी आपको नाश्ते ताज़े ताज़े मिलेंगे। फ्रेश शहर होना चाहिए लाइक पिंडी और लाहौर। बकाया शहरों का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इन दो शहरों का रिज़ल्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये अभी है कि हम पहुँचने वाले हैं बस। तो टापा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। पहुँच गए जी, गर्मी की ताज़ा ताज़ा बना हुआ है मोटरसाइकिल से खड़ के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी, क्या क्या बना हुआ आज? चने, चने ये सूखे चने और एक पराठा। लो भाई हो गया नाश्ता, अब जाके बड़े को देखते हैं क्या सीन है, उसको भी देते हैं नाश्ता और फिर मैं सोता हूँ, जुम्मे के टाइम उठेंगे। ओहो बहुत गंद डाल दिया भाइयों तुमने, चलो पहले सफाई फिर इनको चारा देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ रहे हैं जी और नींद भी पूरी होगी है, और उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अभी का सीन ऐसा है कि वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपको कल की वीडियो में दिखेगा। और अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त।